भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हमारे साथ है। तरुण चुग जी, जिस तरह से तालिबान और अफगानिस्तान में ये अनस्टेबल हुई है, ये राजनीतिक हलचल हुई है, जब से तब से लगातार कोई ना कोई बयानबाजी है। अब नए बयान की सीरीज में जावेद अख्तर साहब का नाम जुटा है, हालांकि उन्होंने पहले भी कई ऐसे बयान दिए, लेकिन इस बार उन्होंने तुलना की है भारत की। ऐसा कि बड़ा मूर्खतापूर्ण और बिना जानकारियों का बयान है। एक तरफ राष्ट्रवाद के लिए काम करने वाली, देश की लिए मरने वाली संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप देखिए, चाहे भूकंप हो, महामारी हो, बाढ़ हो, संघ के स्वयंसेवक आपको काम करते मिलेंगे, देश की समस्याओं से जूझते हुए मिलेंगे, माँ भारती का गुणगान करते हुए मिलेंगे। और दूसरी तरफ वो तालिबान जो पूरे विश्व की मानवता को खतरा है, वो तालिबान जो 26/11 करता है, आप उस तालिबान की तुलना जावेद अख्तर साहब देशभक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। मेरे को तो उनकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि देश की इतनी बड़ी संस्था हो, उसकी तुलना आप कर रहे हैं अफगानिस्तान में बैठे तालिबान के साथ। इससे पहले भी कई और नेताओं ने, कई और पार्टियों ने भी आरएसएस की तुलना ये कहा था, उत्तर प्रदेश में कहा था तालिबानी शासन है। एक के बाद एक इस तरह की तुलना, कहीं ना कहीं कुछ नियम बनने चाहिए इसके खिलाफ, या कोई कार्रवाई करेगी। ऐसा जनता उनको जवाब देगी। देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करना एक एजेंडा बन गया और कुछ लोग उस झंडे पे काम कर रहे हैं और देश की शक्तियों को, देश की राष्ट्रवादी शक्तियों को बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। पहले जब ट्विटर में ये हेट स्पीच फैलाई जा रही थी, तो केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया और उस पर पाबंदियां लगाई, कंट्रोल किए गए, तो क्या इस तरह की जो बयानबाजी है, जो संस्थाएं हैं उनके खिलाफ, क्या इस तरह भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, कानून बनने की मांग करती है। ऐसा कि मेरा कहना है कि कहीं भी, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, कोई भी झूठ चलाए, किसी के बारे में भी चलाए, तो उसको रोकना चाहिए। रोकने के लिए अगर कानून भी बनाना पड़े तो बनाना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पर दिए गए इस बयान को लेकर जावेद अख्तर से सवाल करेगी या उनसे माफी मांगने को कहेगी? ऐसा कि वो तो संघ इस पर बताएगा, लेकिन मेरे ख्याल में जनता सजा देने के लिए बहुत है, जनता सजा दे। बयानबाजी की शुरुआत हमने देखा था जब बिहार में चुनाव था चुग साहब, तब भी शुरुआत हुई थी और कई मांगे उठती थी और ऐसा लगता था भारत में लोगों को डर लग रहा है। इस तरह के बयान भी फिल्म स्टार्स ने कई दिए थे, उनके घर वालों ने दिए थे। इस बार फिर से शुरुआत हुई है, क्या मानते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए ये बयानबाजी? ऐसा है कि कुछ लोग वोट बैंक की तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, उनको लगता है कि संघ को गाली देने से, राष्ट्रवादी शक्तियों को अपमानित करने से उन्हें वोट मिलने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप देखिए कि एक तरफ देश का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन, राष्ट्रवादी संगठन, देश के अंदर लाखों करोड़ों स्वयंसेवक, और उसकी तुलना आप तालिबान से कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। किसान आंदोलन की आड़ लेकर भी ऐसी बयानबाजी की जा रही है कि सरकार की तालिबानी सोच है। ऐसा एक आंदोलन हो या ना हो, ये शब्द गलत है। आप एक इतने बड़े सामाजिक संगठन की तुलना एक आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं जो हथियारों से युद्ध कर रहा है, गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण। तो भारतीय जनता पार्टी जावेद अख्तर के इस बयान पर कड़ी निंदा कर रही है और उनका कहना है कि जावेद अख्तर हो या फिर कोई भी राजनीतिक पार्टियां जो इस तरह की तुलना कर रही हैं, उन्हें जनता जवाब देगी। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से अनामिका रत्ना।